पशुपति व्रत का जो नियम है वो एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। सुबह पूजा की थाली लगाई है, पांच व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं। कितने व्रत? पांच। सुबह पूजन की थाली लगाई है, पूजा की थाली अभिषेक का सामान सब लेकर आप मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन अभीर गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए, थोड़ा फल जो भी रखना। सुबह पूजन करो बाबा का, निवेदन करो, घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए। शाम को जब जाओ कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही हो। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम यहाँ ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से तीन हिस्से हों। एक पात्र में भर कर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। छह दिए लेकर जाओ, बाबा के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है, थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छींटा देकर, जल का थोड़ा सा छींटा देकर पूजन आदि कर जैसी पूजन सुबह करी वैसे भाव से पूजन करो। पांच दिए थाली में से नीचे रख दो, छठवा दिया भी नीचे उतार दो थाली में से। पांच दिए लगाना जब जब प्रसाद के तीन हिस्से पूरे कर दो, प्रसाद के तीन हिस्से रख दो नीचे, फिर दिए लगा दो पांच। एक दिया उठाकर जिसको जलाया नहीं है वापिस अपनी थाली में रख दो। पांच दिए प्रज्वलित कर बाबा को निवेदन कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना दिल से, बाबा इस कार्य के लिए मैंने करा है इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सुना बाबा, बहुत सुना बाबा, पशुपति व्रत में कर रही हूं मैं भी, पूर्व में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है, आप इसको मिटाइए। विनय करो, बाबा से विनती करो, एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ, बाबा को निवेदन कर बाकी का वहां छोड़कर एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आ जाओ। एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लाए, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। भगवान से विनती करो, भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश कर मेरा कार्य सिद्ध करें। बाबा को निवेदन कर अंदर जाइए। भोजन करने से पहले जो मीठा है एक हिस्सा प्रसाद का है उसको खा लीजिए, उस हिस्से में से किसी को नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, उस प्रसाद का हिस्सा केवल तुमको खाना। पहले प्रसाद खाइए उसके बाद में फिर भोजन करिए। एक समय फलहार कर सकते हो, दूसरे समय भोजन कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है। शाम का जो प्रसाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा, सुबेरे आप आराम से नमकीन का भी फलहार कर सकते हो, मीठे का भी फलहार कर सकते हो, फलहार के लिए कोई मना नहीं है, फलहार आप कैसा भी कर सकते हो। पर भोजन जब करोगे, अन्न जब खाओगे, जब पहले भगवान का प्रसाद पाल। चार पशुपति व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर कहीं रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना है, घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई या कोई व्रत आ गया, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका आप व्रत करते हुए आए हो, तो पशुपति व्रत उस दिन मत करो, फिर अगले सोमवार कर लेना। तीन हो गए, एक रह गया बीच का, उसको अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाएगा।
पांचवा छूट गया कोई बात नहीं, एक महीने बाद तो होगा, 8 दिन बाद तो होगा, 15 दिन बाद तो होगा, फिर उसको गिन लो, पांचवा हो जाएगा। महाराज ऐसे पांचवा व्रत जब आए, पांचवे व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल कुछ रुपए 11 रुपए आदि जो भी है नरियल पर रख कर बाबा को विनय कर बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो, मेरी झोली भरना बाबा, विनती करो। और वो श्रीफल रुपया रखकर 5 दिए लगाकर 1 दिया वापिस लेकर 1 हिस्सा प्रसाद का लाकर दहली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर भोजन ग्रहण करो, बाबा को निवेदन कर लो। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं है, पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है, जो श्रीफल और 11 रुपये आपने मंदिर में रखे हैं वो उद्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन कर रखे हैं, ये पशुपति व्रत।